मैं बनाल की आवाम को कहता हूं, लाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, डिबेट कराओ मेरे साथ, वो भी अपने काम गिने और हम भी अपने काम गिनेंगे। काटू से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यह कहावत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर सटीक बैठती है। यह गठबंधन कागजों पर तो नजर आ रहा है, लेकिन जमीन पर इस गठबंधन की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। अगर एक काम निकलेगा तो विकार रसूल इलेक्शन से विड्रॉ हो जाएगा। दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई सुतून इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई सुतून इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई सुतून इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। बनाल में बेवकूफ बनाने निकलते हो गाँव गाँव। दरअसल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बनिहाल विधानसभा सीट से प्रत्याशी विकार रसूल के बदले सुर अब गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विकार रसूल ने बनिहाल में एक रैली के दौरान अपने गठबंधन सहयोगी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही कई तीर दाग दिए हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसा है। पता है तुम लोगों ने खून चूसा है, ये लाल झंडा खून वाला झंडा है और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बनिहाल के लोगों का है। 70 साल तुम लोगों ने हमको कॉलेज नहीं दिया, आज पैसे लेके निकलते हो खरीदने। अरे ये मेरे भाई, हर शाम को इनके पास तुम्हारी टीम पहुंचती है पैसे लेके, मगर ये हमारे खुददार गुजर है, खुददार ये नहीं बिकते हैं। इतना ही नहीं, विकार रसूल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप भी लगाया है। बोलते हैं बिकाओ, लेकिन ये सुन्नत रसूल अल्लाह पे चलने वाले लोग हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे। ये नहीं बिकते हैं तुम्हारे पैसों में। हमेशा मैं सुनता हूँ चाचाल टीम चली गई पैसा लेके, नेशनल वाले चले गए, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तुमको एक वोट यहाँ से नहीं मिलता है, क्योंकि ये तुम्हारे सामने बिकते नहीं है। तो जहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाईकमान जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता अपनी बयानबाजी के चलते ही सहयोगी दल पर निशाना साधकर गठबंधन को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जिससे गठबंधन की नींव और भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है।